हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट की वीडियो में मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर दिया एक्सप्लेनेशन। अब मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सोल्यूशन से डिस्कस करूंगी। हम लोग को डटना नहीं है कोई भी चीज, एवरीथिंग इज टू बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, ताकि हम लोग खुद से भी फ्रेम कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What does an electric circuit means? The electric circuit means a closed and continuous path through which electric current flows. आप ऐसे लिख सकते हो या फिर a continuous conducting path consisting of metal wire, switch, bulb, वैसे लिख सकते हो। But just understand the concept, ठीक है। बस electric circuit का इतना मतलब एक continuous path हो जिसमें electric current flow कर रहा हो, ये एकदम मस्ट है, ये लिखना ही लिखना है। नाउ डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, ये हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है। अब उसको यूनिट को डिफाइन करना, तो उसका यूनिट होगा वन यूनिट को, यानी डिफाइन करना। सो व्हेन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन वन सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग इज सेड टू बी वन एम्पियर। ऐसे लिख सकते हो, बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा टीचर को। तो वन एम्पियर इक्वल्स टू वन कूलम्ब बाई वन सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन है, तो हम लोग को इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है वन कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितना होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होगा क्यू बाई ई, यानी हम लोग देखे थे क्यू इक्वल्स टू एन इन टू ई, तो वैसे हम लोग यहाँ डिराइव किया एन इक्वल्स टू क्यू बाई ई। सो एन इक्वल्स टू क्यू क्वान्टिटी ऑफ चार्ज यानी वन कूलम्ब बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻¹⁸, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो एक बैटरी और अ सेल। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज वन वोल्ट, ठीक है। सो व्हेन वन जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया था, ख्याल मैं फिर कर देती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जो कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से या फिर कोई भी दूसरे पॉइंट में फील्ड के अंदर कहीं ले जाना है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही वह 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। When 1 joule of work done in moving 1 unit positive charge from one point to another in an electric field is called 1 volt. Now, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? तो question में given, पहले हम लोग को कोई भी numericals में एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग को given quantities लिख लें। अब हम लोग को जो quantities find करना, उसमें ऐसे question mark डाल दें या फिर to find लिख दें वहाँ पे, ऐसे बहुत easy होता है। फिर हम लोग यहाँ लिखे formula या फिर bracket में formula to be used, ऐसे बहुत ही presentable copy लगता है, ठीक है। So Q यहाँ पे दिया हुआ था 1 coulomb, each coulomb यानी 1 coulomb दिया है, V for यहाँ वोल्टेज दिया, तो 6 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना, तो यहाँ जो फॉर्मुला यूज है V इक्वल्स टू W बाई क्यू, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, W इक्वल्स टू V इनटू क्यू, ये इसी से हो गया। फिर हम लोग आंसर लें तो 6 जूल इसका आंसर है। ऐसे बहुत आंसर लिख देना, ये सब फॉर्मूला लिखने बहुत अच्छा दिखता है। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब ये तो इसका बेसिक आंसर, लेकिन अगर आपको अपनी नोटबुक को प्रेजेंट टेबल दिखाना, तो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हो लेंथ डैश देके। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो व्हेन द लेंथ इज डबल्ड द रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल्ड। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे ऐसे करके इन्वर्सली का साइन दिखा के ऐसे डिफाइन कर सकते हो। टेम्परेचर एग्जाम्पल्स दे दे के आपके हाथ में आप कितना अपनी नोटबुक को प्रेजेंट टेबल दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटीरियल वेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अमाउंट ऑफ करंट है क्या वो सेम फ्लो करेगा थिक वायर और थिन वायर में से, जब हम लोग सेम सोर्स ऑफ बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो जो करंट होगा वो ज्यादा इजिली फ्लो करेगा थिक वायर से देन थिन वायर से। अब ऐसा क्यों है, तो हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। थिक वायर ए मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिक वायर का ज्यादा होता है, थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस होता है। तो द करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर देन अ थिन वायर, दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ अ थिक वायर इज लेस देन थिन वायर। अब दूसरा क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट रिमेन कॉन्स्टेंट।
while potential difference across two ends of the component decrease to half. What change will occur in current? अब यहाँ पे बोल रहा है कि resistance को हम लोग constant रहने देते हैं, लेकिन अगर जो potential difference across जो end है उसको हम लोग half कर दे रहे हैं तो current पे क्या vary होगा? तो हम लोगों ने देखा था कि V जो है directly proportional of I है, यानी potential difference directly proportional है I according to Ohm's law. आप यहाँ पे अच्छे से Ohm's law explain कर सकते हो, present table बना सकते हो copy को. So if potential difference becomes half, so current will also become half. ठीक है? Next question है, Why are coils of electric toasters and electric iron made of alloy rather than pure metal? तो ये question मैंने explanation time भी discuss किया, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लेते हैं. तो हम ये question पूछ रहे हैं कि alloy जो है electric toaster, जो coils होता है electric toaster और electric iron का, वो alloy का क्यों बना होता है, pure metal का क्यों नहीं? Alloy मतलब सबको पता होगा, the homogeneous mixture of two or more metal or a non-metal is called a alloy. ठीक है? Resistivity of alloy is higher than constituent metal. ठीक है? Alloy has high melting point. Alloy does not undergo oxidation even at high temperature. आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे स्टार्ट करना, The coils of electric toaster and electric iron are made up of alloy rather than pure metal because of the following reasons. Number one, number two, number three. So this is the reason these are used. ऐसे आपके हाथ में प्रेजेंट टेबल कैसे बनाए कॉपी को. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ थ्री सेल्स. बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ये तो पता है. तो बैटरी ऑफ थ्री सेल्स, 2 वोल्ट ईच एंड 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर. तो एक सर्किट है, स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बनाया है. ये यहाँ पे बैटरी है 2 वोल्ट का 3, ये है प्लग की, यहाँ से हम लोग करंट फ्लो का आयरो दिखा रहे हैं. ठीक है, ये है 3 रेजिस्टर 5-5 का एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब यहाँ पे जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो यहाँ पे हम लोग को बस तो इस क्वेश्चन में बस हम लोग को जज करना है, यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करके नहीं बताना है. तो सबसे पहले है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ओम एंड 10^6 ओम. ठीक है, सो इसका जो अगर हम लोग पैरेलल में लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते टाइम बताया था कि इन पैरेलल क्या होता है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल से लेस होता है. मतलब इंडिविजुअल यहाँ पे 1 ओम है और 10^6 ओम है, तो इस दोनों से कम होगा. तो 10^6 ओम से भी कम, 1 ओम से भी कम, यानी बेसिकली लेस देन 1 ओम, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल. ठीक है, 1 ओम, 10^3 ओम एंड 10^6 ओम, तो ये भी पैरेलल में, तो ऑफकोर्स इसमें भी लेस देन 1 ओम होगा, इंडिविजुअल से कम, सेम रीजन, बिकॉज ऑफ सेम रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. वॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स that takes as much current as the three appliances and what is the current through it. ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बोला, पहले गिवन लिख लेते हैं. R1 दिया है 100 ओम, रेजिस्टेंस ये तीनों था, ये लिख लिया हम लोगों ने. अब इसका सबसे पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो. तो 1/R इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500. आंसर आएगा यहाँ पे 125/4, दैट इज 31.25. अब हम लोगों ने यहाँ पे R मिल गया हम लोग को, और टू वी दिया हुआ है और R निकाल लिया, तो हम लोग को यहाँ पे करंट ही कैलकुलेट करना था. तो I इक्वल्स टू V बाई R फॉर्मूला लगा देना है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे. अब इसको चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस का चेक करना है, तो रेजिस्टेंस तो हम लोग निकाल चुका है, तो V बाई I कर देंगे. तो ये और ये मैच कर रहा, तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हम लोग का आंसर सही है. How can 3 resistors, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of 9 ohm? तो इसमें हम लोग को ये बताना है कि ये तीनों resistor को हम लोग कैसे connect करें कि इसका total resistance सबसे पहले 4 ohm आए और दूसरा 1 ohm आए. तो सबसे पहले हम लोग को एक ये चीज़ हम लोग को rough में पहले करके देखना होगा. तो सबसे पहला है एक, तो 4 ohm लाने के लिए हम लोग को 3 और 4 को पैरेलल में रखना होगा, 2 को सीरीज में रखना होगा. तो चलिए देख लेते हैं कैसे. तो 1/R इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 पैरेलल वाला, तो इसका आंसर आएगा 2 ओम कैलकुलेट करने पे. और जब पूरा R कंबाइंड देखेंगे तो ये इसका आ गया पैरेलल का 2 और 2 प्लस 2 4 आ गया हम लोग पास. अब दूसरा हम लोग को लाना है 1 ओम
1 ओम देखने से पता चल रहा है कि ये तीनों रेजिस्टेंस से कम है, यानी तीनों का कंबाइंड से कम है, तो हम लोग को बस सीधे ही पैरेलल लगा देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/R=1/2 + 1/3 + 1/6 gives 1। आ गया। ये भी क्वेश्चन एक जैसा है, हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस सिक्योर्ड बाय दिस। तो इसमें हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसको किस हिसाब से हम लोग कनेक्ट करें कि हाईएस्ट इससे पॉसिबल है और एक लोएस्ट है। तो हाईएस्ट हम लोग को पता है कि हाईएस्ट आएगा सीरीज में, क्योंकि आर कम्बाइंड क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4 हो जाएगा, और लोएस्ट होगा पैरेलल में। तो इसका आंसर मैं आप लोग के लिए छोड़ती हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन है उनसे उनके साथ बात करेंगे, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।